मोक्ष को पाने के लिए दिया भी कर रही है चालाकी। अपने ही संदूक में फंस गई है निशिगंधा। मोक्ष को लगा रही है वो आवाज। हिप्नोटाइजर करने वाली है सच का खुलासा। कलर्स टीवी के शो सुहागन चुड़ैल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दिया काफी ज्यादा डर रही थी निशिगंधा की ताकत को देखकर, लेकिन अब दिया एक बहुत ज्यादा चालाकी वाला गेम खेलने वाली है। निशिगंधा अपने ही सीक्रेट संदूक में फंस के रह गई है, उसे निकालने वाला कोई नहीं है। सुहागन चुड़ैल के सारे कारनामे, सारी ताकतें, सारा काला जादू धरा का धरा रह गया है। वो काफी ज्यादा परेशान है, उसका दम घुट रहा है उस काली दुनिया में। वो बार बार मोक्ष को आवाज लगा रही है, लेकिन वो जिस संदूक की दुनिया में बंद है वहां पर मोक्ष की आवाज क्या, मोक्ष की नजर तक नहीं पहुंच रही। यहाँ पर निशिगंधा का फोन देखकर, निशिगंधा को गायब देखकर मोक्ष काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर वो गई कहाँ। तो वहीं दिया आकर बताती है मोक्ष से कि मुझे पता है कि वो कहाँ है। अब ऐसे में कोई बहाना बनाकर वो मोक्ष को यहाँ वहाँ भटका देगी। तो वहीं आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हिप्नोटाइजर मोक्ष को हिप्नोटाइज करके एक सवाल जानना चाहती है कि आखिर मोक्ष किसे प्यार करता है। कुछ वक्त पहले मोक्ष ने खुद कहा था कि वो निशिगंधा से सिर्फ प्यार करता है और वो जल्द से जल्द उसे शादी करना चाहता है, लेकिन अब दिया चाहती है कि वो निशिगंधा से दूर रहे और उसके साथ वो अपनी एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहती है। जब मोक्ष कहता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दिया है, तो ये सुनकर दिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब क्या होगा सुहागन चुड़ैल में निशिगंधा का, देखना दिलचस्प होगा। आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।